बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस घोषणा के पहले, अभी तक ऑफिशियल कुछ बयान तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन इस घोषणा के पहले पूरे प्रदेश में एक तरीके से हर जगह पुलिस की तैनाती कर दी है, जिससे किसी तरह की अगर कोई समस्या आए तो उससे निपटा जा सके। और उसके बाद भी अभी आप देखिए कि अभी भी सरकार ने इसको सिक्रेसी मेंटेन कर रखी है और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन इसके पहले भी मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक की जानकारी मिली थी, और आज कहा जा रहा है, जो प्रारंभिक जानकारी मिली है एस एन सावत की डीजी जेल द्वारा, जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जो है वो बादा जेल में रमजान के उपवास पर थे, और तकरीबन दोपहर के बाद उनको एक हार्ट अटैक जब आया तो उसकी सूचना जो है जेल के प्रशासन को दिया गया, और उसके बाद उनको आनंद फानन में जो है डॉक्टर को वहां बुला के पहले इलाज कराने की कोशिश की गई, और उसके बाद वहां पर उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। और अब ये लगभग पुष्टि हो चुकी है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है, वो इस बात को कन्फर्म कर रहा है कि सरकार किसी तरह का कोई सुरक्षा के मामले में कोताही नहीं बरत रही है। 65 मुकदमे दर्ज थे मुख्तार अंसारी पे। गाजीपुर के मुख्तार अंसारी राजनीति में बेहद सक्रिय थे, कई दलों में वो रह चुके थे, समाज पार्टी हो समाजवादी पार्टी हो, सब थे, वो चुनाव लड़ चुके थे, उनका परिवार जो है वो पॉलिटिकल था, और आप समझ सकते हैं कि मुख्तार अंसारी जब पंजाब से आए, इस तरीके से मुख्तार अंसारी के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। और आपने ये भी देखा था कि मुख्तार अंसारी का क्या रुतूब था, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब तक मुख्तार अंसारी को हाथ लगाने की किसी ने हिम्मत नहीं की, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद एक के बाद एक मुकदमों में पैरवी हुई, और उसके बाद तक मुख्तार अंसारी को सजा मिलती रही, और मुख्तार अंसारी लगातार जेल में रहे। मुख्तार अंसारी का जेल में रहने की वजह से स्वास्थ्य लगातार खराब होता रहा, और उसका परिणाम ये हुआ कि मुख्तार अंसारी को एक और हार्ट अटैक जो है छीन लिया। और मुख्तार अंसारी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी के ऊपर बहुत कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, और उसमें बहुत ही दुर्दांत अपराध को लेकर मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह की जो आपस में दुश्मन है वो जाहिर है, लोग जानते हैं कि किस तरीके की दुश्मनी है। उसके अलावा मुख्तार अंसारी का ठेका टेंडर, नशे के कारोबार और न जाने बहुत सारे धंधों में इन्वॉल्वमेंट था। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा था अरविंद जी पिछले कुछ वक्त में, क्योंकि बहुत वक्त तक मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद रहा, और वहां से मुख्तार अंसारी को लाना भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन मुख्तार अंसारी को पंजाब से लेकर आए, उसने एक तरह से सेफ हाउस, हमने देखा था कि वहां पर बहुत सेफ फील कर रहा था, कि उसने उस वक्त किस तरह के भी आरोप लगाए थे, मैं यहाँ लाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन मुख्तार अंसारी को यहाँ लाया गया, और फिर जो ट्रायल वहां चल रहे थे उन ट्रायल में हमने देखा बहुत तेजी आई पिछले कुछ वक्त में, बहुत से